हर जनके में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। एक बार फिर पुतिन ने भारत की मध्यस्थता के लिए कहा है कि भारत, चीन और ब्राजील इस युद्ध को रुकाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। हाल ही में इकोनॉमिक फोरम का फंक्शन था, उसमें उन्होंने कहा कि युद्ध को बीच में रुकवाना या युद्ध को के खत्म करने के लिए मध्यस्थता भारत की अहम भूमिका हो सकती है। हालांकि चाइना और ब्राजील का भी उन्होंने नाम लिया। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी कील भी गए अगस्त में, और उससे पहले वो रशिया जाकर के आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, शांति वार्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि जब कील गए मोदी तो उस दौरान भी ये बात हुई थी और चर्चा थी कि जब मोदी वहां पे रहेंगे उस दौरान सीज फायर रहेगा, लेकिन जैसे मोदी वापस लौटे तो 35 शहरों पे रशिया ने एक साथ अटैक किया। एक बार फिर पुतिन ने कहा है, यह तो तय माना जाना चाहिए कि जब भी हमने विशेषज्ञों से बात की है तो एक बात कही है कि युद्ध से कुछ कोई भी नहीं होता, आक्रमण करने वाला भी और आक्रमण सहने वाला भी, दोनों ही तरफ स्थितियां एक जैसी होती हैं, क्योंकि जनहानि, धन हानि, हर तरह की हानि, और वर्षों की बात नहीं कर रहा मैं, कितने दशक लगेंगे वापस उस स्थिति में लौटने के लिए, ये भी एक सबको मालूम है। तो हम चर्चा शुरू करेंगे और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हैं और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हमारे साथ में हैं। सिंह साहब, आपके पास में आना चाहूंगा, उतने खुद ने भी माना है और आपने बीच में भी कहा कि देखिए युद्ध से रूस भी बहुत खुश नहीं है और रूस में भी अंतर कलर विरोध शुरू हो गया, लेकिन युद्ध में पीछे कौन हटे? अभी क्या लगता आपको कि मोदी पिछले दिनों गए भी और विश्व बरादरी में भी है कि चलिए अभी इस मामले को खत्म किया जाना चाहिए, तो अब लगता है कि पुतिन की बातों से कि वो थोड़े से लिबरल हो रहे हैं, लेकिन वो अटैक भी लगातार कर रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, दुनिया के किसी भी देश में वहां का आवाम है वो जंग नहीं चाहता, वो अमन, ईमान और बहबूदी से जीना चाहता है। पुतिन ने पहले भी कहा था कि मैं युद्ध रोकने के लिए तैयार हूं। अगर यूक्रेन ये कह दे कि हम नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे और उसका डीनाजिफिकेशन हो जाए, तो ये पहली बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी जो बात सामने आई है उससे हम नहीं मान के चल सकते कि इससे युद्ध रुक जाएगा। अगर सिंसियरली कोई युद्ध रोकना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि सीज फायर करे और आज की जो स्टेटस है वो बना रहे, फिर बातचीत शुरू हो। तो आपने बताया कि तीन देशों का नाम लिया है पुतिन ने, और जहां नाम लिया है वो इंटरनेशनल फार ईस्टर्न डेवलपमेंट, जो रशिया का एक बैकवर्ड इलाका है, उसको ज्यादा विकास के लिए वहां रिसोर्सेज हैं। एक इंटरनेशनल फोरम की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा है, तो इसका एक तरह का लोकाचार सा लग रहा है, क्योंकि उसमें दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी थे, तो इससे कोई संभावना नहीं बनती। अगर संभावना होती तो चीन ने पहले 12 पॉइंट प्रोग्राम दिया युद्ध रोकने का, उसके बाद ब्राजील ने G20 का अध्यक्ष भी है और उन्होंने 6 पॉइंट प्रोग्राम प्रपोजल दिया, फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज की मिली भगत से स्विट्जरलैंड में जो पीस समिट हम कह रहे हैं उसमें आपने दूसरी पार्टी को बुलाया नहीं और आप कह रहे हैं पीस समिट है, जेलेंस्की से 10 पॉइंट का प्रपोजल ले लिया, तो वो मेरे ख्याल से वेस्टर्न कंट्रीज ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे कि देखिए दुनिया पूरी आपके अगेंस्ट में है, आप एग्रेसर है, ये रियलाइज करवाना चाहते थे, वो पीस समिट नहीं हो सकती। तो उसमें भारत गया, चीन गया नहीं, लेकिन भारत ने उस पे साइन नहीं किए, वहां जो ज्वाइंट कम्युनिटी हुई, जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें भारत ने साइन नहीं किए, क्योंकि अगर रशिया है ही नहीं तो पीस किससे बात कर रहे हैं। पीस की दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो दोनों पार्टियों को बुला के बातचीत करो, दूसरा यह हो सकता है कि दोनों पार्टियों को अलग रखो, थर्ड पार्टी मिलके कुछ प्रपोजल तैयार करें, दोनों के अप्रूवल के लिए भेजे। तो इस तरह की पीस टॉक कहीं अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। तो जो 10 पॉइंट का प्रोग्राम स्विट्जरलैंड का था, जो ब्राजील का है, चीन का है, ये अभी कहीं भी अप्रूव नहीं है। तो पीस की अभी मुझे नजदीक या कहीं भी संभावना नहीं लग रही कि कोई पीस टॉक होगा, लेकिन यूक्रेन की हालत अब बहुत ज्यादा इंटरनल डिसेंशन बढ़ गया है। यूक्रेन ने वहां के जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उस पे बैन लगा दिया है और वेस्टर्न कंट्रीज रिलीजियस फ्रीडम के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, तो उनके लिए धर्म संकट है कि यूक्रेन अगर ऐसे मेजर ले रहा है धर्म
एक चर्च पे बैन लगा रहा है तो वो धर्म की स्वतंत्रता कहाँ हुई? दूसरा, अभी यूक्रेन के 6 मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, विदेश मंत्री ने भी रिजाइन कर दिया, सेना के कमांडर को भी उसने हटा दिया पहले। तो इस तरह की हालात है, तो यूक्रेन की हालात मुझे लगता है कि वह बहुत ज्यादा डिसेंशन हो रहा है। और एक अन्य बात है, जो जेलेंस्की का अभी प्रेसिडेंट है उसको इलीगल मान के चल रहे, मई में उसका टर्म खत्म हो गया, नए चुनाव हुए नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो प्रेसिडेंट भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि यूक्रेन में तो कभी भी विद्रोह हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ रशिया में भी हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, पुतिन का भी वहां विरोध का भाव जागृत हो रहा है। इसलिए दोनों चाहते हैं कि शांति तो हो, लेकिन शांति किस टर्म्स एंड कंडीशन में हो। अगर कोई शांति का प्रयास करना चाहता है, भारत, चीन या ब्राजील या कोई दूसरा देश, तो सबसे पहला प्रयास होना चाहिए सीज फायर। और उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ मोस्ट अप्रोप्रिएट एजेंसी है जिसके थ्रू होना चाहिए, लेकिन उसके थ्रू नहीं हो पा रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई देश से अच्छा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सीज फायर के लिए करे प्रयास, और जब सीज फायर हो जाए तो विभिन्न देश हैं जो मेजर कंट्रीज हैं वो मिलके सीज फायर के बाद में एक पीस नेगोशिएशन का ड्राफ्ट तैयार करें, दोनों पार्टियों को बुलाएं, बातचीत करें, तो ये प्रक्रिया हो सकती है। इसमें अभी भारत मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा काम भारत ने नहीं किया, होमवर्क नहीं किया इस डायरेक्शन में। केवल भारत ने इतना किया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने रशिया जाके पुतिन से बातचीत की है और यूक्रेन जाके जेलेंस्की से बात की है, दोनों का दृष्टिकोण जाना है इसे, क्योंकि पीस प्रक्रिया केवल दोनों के दृष्टिकोण जानने से नहीं होगी, उससे बहुत ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। तो उस दिशा में मुझे अभी कोई संभावनाएं नहीं लग रही है। तो जो पुतिन का ये कहना है एक तरह का लोकाचार है, इसमें कोई ज्यादा अर्थ हमें नहीं ढूंढना चाहिए। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हर मुल्क कहता तो यही है कि मध्यस्थता की जा सकती है और युद्ध के खतरे बहुत सारे हैं, उससे सॉल्यूशन किसी चीज का नहीं है। महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, लगता क्या है कि पुतिन की बातों से, ये बात सही है, अभी करोड़ सिंह जी ने भी यही बात कही कि वहां विद्रोह के हालात दोनों तरफ हो सकते हैं। देखिये, जन हानि और नरसंहार देखना एक लिमिट होती है आंखों की, लोगों के धैर्य की, उसके बाद में चाहे कहीं पे भी हो, पब्लिक एक जैसी होती है। जब से कहा जाता है कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सभी जगह है, और अभी जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे कैजुअलिटीज रशिया में नहीं हुई है क्योंकि यूक्रेन में ही हुई है, वहां पे भी ऐसी स्थितियां बनी है, कम हो सकती है, यूक्रेन में ज्यादा तबाही हो सकती है क्योंकि वो पावरफुल राष्ट्र है रूस। अब क्या लगता है, इस बात का अंदेशा पुतिन को भी है और जेलेंस्की को भी है कि अंदर खाने में हमारा विद्रोह शुरू हो सकता है और हमें बाहर की सिक्योरिटी या बाहर के जो युद्ध से ज्यादा अपनों से जूझना पड़ सकता है, तो ऐसे में युद्ध विराम एक हल है, लेकिन उससे पहले इस बात का भरोसा सीज फायर करके ही दिया जा सकता है, जैसे करोड़ सिंह जी भी कह रहे हैं, पहले भी इस बात को लेकर चर्चा कर चुके हैं। तो इस दिशा में क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो युद्ध में मध्यस्थता की पहल की बात की जाती है, दूसरी तरफ उसी दिन अटैक भी किए जाते हैं? देखिए, ये इस मामले में, यूक्रेन युद्ध वाले मामले में दोनों पक्ष ही अड़े हुए हैं, इसकी सबसे बड़ी बात है। आप दुनिया के कोई भी देश उसमें युद्ध शांति की प्रस्ताव लाए या करने का प्रयास करे तो मतलब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो है अपने जीते हुए जो उससे हार जो जिसमें रशिया ने जिसपे कब्जा किया है, या तक कि कुछ अरसे पहले उसने जो क्रीमिया पे भी कब्जा कर लिया था, उन सब पे चाहता है कि वो पहले वो रशिया उसको चीज छोड़े, और रशिया जो चाह रहा है कि ये यूक्रेन नाटो देशों में शामिल ना हो, और अमेरिका चाहता है कि नाटो देश में ये यूक्रेन शामिल हो, क्योंकि जो विस्तार इसे युद्ध के दौरान ही नाटो के सदस्यता में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और वगैरह और 2-3 सदस्य और भी बने हैं। तो ये सारी जो चीजें जो है, तो जबकि ये अब अगर अगर अब ये बोलते हैं कि सोवियत रूस से जो बना सोवियत संघ ने जो अपना विघटन जो उस समय किया था, सब अपने कम्युन देशों को जो स्वतंत्र किया उस दौरान वारसा संधि के तहत, इन कम्युन देशों की सुरक्षा की व्यवस्था उसने अपने आप में अपने में समाहित की थी कि भाई विपत्ति के टाइम पे हम
रूस आपको मतलब कहता हूँ मदद देगा। अब यहाँ क्या है कि उसके जो कम्युनिके देशों को वो अमेरिका अपने नाटो सदस्य बनाने के फिराक में, उसमें यूक्रेन भी रहे एक सदस्य। झगड़ा इस बात का है क्योंकि अपनी रूस की सीमा पे अगर नाटो पहुंचे, मतलब यूक्रेन पे कब्जा या नाटो में शामिल होने का मतलब यूक्रेन की सीमा पे ये रूस की सीमा पे नाटो पहुंच जाए, इसको टाल दे। हालांकि उसके और ये स्वीडन वगैरह ये जो देश शामिल हुए हैं और ये उससे वो पहुंच चुका है और उससे मतलब क्या कहते हैं एक तरह से इनडायरेक्ट में कहते हैं। सवाल ये है कि इसमें विचित्र स्थितियां बनी हुई है कि रूस के समर्थन में एक नाटो देश जो यूक्रेन है, ये क्या टर्की है, वो भी उसका उसके भी रूस से अच्छे ताल्लुक आते हैं। रूस ने तुर्की ने भी अपने प्रयास किए, इधर मतलब सभी देशों ने लगभग प्रयास तो किए लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। और भारत की जो नीति है, ये दोनों देश मतलब क्या कहते हैं भारत के जहाँ संदर्भ में बात करें तो ये है कि यूक्रेन और दोनों और आपके दोनों मित्र हैं। एक बात सामने आई, बात सी ठीक है, यूक्रेन भी भारत का मित्र है और मित्रता हम निभा भी रहे हैं, रशिया भी मित्र है, पुतिन ने भी सम्मान दिया मोदी को और यूक्रेन ने भी। लेकिन यहाँ बात ये आ रही है कि अभी जैसे करोड़ सिंह जी ने कहा कि बात कहना और होमवर्क करना उसमें बड़ा अंतर है। आपको लगता है कि भारत का भी दृष्टि पे होमवर्क है? अगर होमवर्क है तो दोनों मुल्कों को इस बात से अवगत करा दिया गया होगा कि युद्ध आप इस शेप में कर सकते हैं, या मोदी जब गए कि पोलैंड से तो कुछ अपना इन्होंने एक ब्लूप्रिंट दिया हो कि भाई हम इस पुतिन से भी बात हुई है, इस मामले में यूं बैठ सकता है, क्योंकि वापस से भी मुलाकात होनी है इनकी। देखिए अभी जो है जहां तक भारत का सवाल है उसकी राय जरूर ली जा रही है, बातें जरूर की जा रही है, लेकिन भारत की इतनी स्थिति नहीं है कि उसकी आवाज कोई सुने। और वो लगातार मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सुधार की बात कर रहा है, उसको ही मतलब तवज्जो नहीं मिल रही है। तो ऐसी सूरत में उसको बात कौन सुनने को तैयार हो, जब तक कि आपके पास मतलब वीटो पावर नहीं है किसी बात को लेकर के, तो भारत क्या करेगा उसको? एक चीज ये सबसे बड़ी बात। और इसमें अगर विश्व में कहीं पे भी युद्धग्रस्त दो राष्ट्रों में अगर कहीं शांति करना की जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की, जो संस्था जो समझौता करा सकती है, सीज फायर के लिए कह सकती है, यहाँ तक कि उनको मतलब रूस के राष्ट्रपति को तो युद्ध अपराधी घोषित किया हुआ। वो ऐसी जगह वो आपके दक्षिण अफ्रीका में जो जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी नहीं वो जा सके, तो कई जगह तो वो जा नहीं सकते, वो सिवाय मतलब मंगोलिया कहते हैं मतलब वहां पे आपके मतलब चीन में चले जाएंगे, उत्तर कोरिया में चले जाएंगे या उत्तर कोरिया के वगैरह इधर उधर कहीं चले जाएंगे, लेकिन और दूसरे राष्ट्रों में अभी नहीं जा पाते। तो ये एक समझने की बात है कि कुछ ऐसे में जो भी अगर प्रस्ताव पारित हुए संयुक्त राष्ट्र में तो सबके सब मतलब क्या कहते हैं उसकी जिसमें विरोध किया गया था रशिया का, और उसमें बहुत से देश आज भी स्थिति है कि जिसमें ग्लोबल साउथ जिसे कहा जा रहा है उसमें अधिकांश देश ने रूस के खिलाफ मतदान में हिस्सा नहीं लिया। और प्रस्ताव लाने वाला जो अमेरिका जो प्रस्ताव लेके आता है उसके उसमें मतलब ये जो रशिया के जो समर्थक हैं जो भी देश हैं वो उसमें मतलब वोटिंग नहीं करते, भाई विरोध तो कर देंगे लेकिन वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। और यही बात है कि रशिया की ओर से कोई प्रस्ताव लाया जाता तो उसपे कोई मतलब ये जो पश्चिमी देश नहीं करते। यूक्रेन में जब तक अमेरिका और पश्चिमी देश मदद रोकेंगे नहीं, नाटो का विस्तार नहीं करेंगे, तब तक रशिया मानने वाला नहीं। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। तो कोई ये गारंटी तो दे, कोई ऐसी संस्था गारंटी तो दे, कोई नाटो का विस्तार नहीं हो। उसका यही तो ऑब्जेक्शन है कि नाटो में शामिल नहीं हो यूक्रेन, ये यही ऑब्जेक्शन है और इसी की वजह से उसने मतलब किया है। और अब यूक्रेन में तो सत्ता जो अभी
जिसके जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं, ये इनका झुकाव यूरोप की ओर है, अमेरिका की ओर है, और नाटो में से जुड़ना चाहते हैं। डाउट नहीं है महेश जी, देखो सबसे बड़ी बात यही है किसके पास में असला धन संसाधन खाद्यान्न, यूरोपियन कंट्रीज और दूसरे जो मुल्क हैं उनके माध्यम से आ रहा है, ये बात सही है। नहीं तो इतने हिम्मत नहीं है और इतनी ताकत, अब तक हिम्मत तो युद्ध किया लेकिन अब ताकत इतनी नहीं है कि रशिया से टक्कर ले, उनके लड़ाके हों चाहे कितने भी चीजें, सब चीजें उन्हें मिल रही हैं। लेकिन ये युद्ध इस मोड़ पे आ चुका है कि पुतिन भी पीछे नहीं हट सकते और यूक्रेन के अपने खुद के हाथ में नहीं है कि वो इसे विड्रॉ कर सके। इसका जवाब मैं करोड़ी सिंह जी से लूंगा कि सर पुतिन भी लिबरल बनने के लिए कह रहे हैं कि चलिए युद्ध में मदद से करूंगा, चाहे कोई भी अठाई, लेकिन पूरी विश्व बरादरी में इस बात की तकलीफ है कि 2 साल से युद्ध चल रहा है, 2.5 साल हो गए, फरवरी में 3 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ना तो किसी सॉल्यूशन पे पहुंचा और ना किसी स्थिति के अंदर ये युद्ध किसी को बेनिफिट दे रहा है, नुकसान ही हो रहा है सभी का ही। लेकिन मोड पे ऐसे आ गया है कि ना तो पुतिन पीछे हटता दिख रहा है और ना ही अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, जो इसकी मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, वो क्यों चाहेंगे पीछे, क्योंकि इतनी ताकत लगा चुके हैं कि वो पीछे नहीं हटना चाहेंगे। तो आपको लगता क्या इसका सॉल्यूशन की बात, आपने कहा कि देखिए होमवर्क का ब्लूप्रिंट भी रखना होता है, कह देने पर से काम नहीं चलता है। देखिए योगेंद्र जी, बचपन में एक बात हम सुनते थे कि घर के रिश्ते, घर के डिफरेंसेज अगर सड़क पे आ जाए तो वो फिर सुलझते नहीं, उलझते ही हैं। तो यूक्रेन और रशिया दोनों ही यूएसएसआर के पार्ट थे, यूएसएसआर से अलग हुआ और अलग होने के बाद में जब वो वेस्टर्न कंट्रीज के नजदीक गए तो वेस्टर्न कंट्रीज ने ये सोचा कि हम, हमारा जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ग्लोबल इंटरेस्ट है, वो पूरा करेंगे। तो यूक्रेन के कंधे पे रख के वो रशिया को कमजोर करना चाहते थे, रशिया को और कमजोर करना चाहते थे। तो उसी के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को साधन बनाया, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर नेटो का मेंबर यूक्रेन को बना लेंगे तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाएगा और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का मतलब दोनों न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर यूज होगा, इसका अर्थ होता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर निश्चित रूप से। तो वेस्टर्न कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट हैं। अब जब तक वेस्टर्न कंट्रीज विशेष रूप से अमेरिका तैयार नहीं होगा इस पीस वार्ता के लिए या सीज फायर के लिए, तब तक सीज फायर नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपना मैन पावर ज्यादा नहीं भेज रहे हैं, नेटो वाले ट्रेनिंग के लिए कुछ पर्सोनल भेज रहे हैं जो यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं या दूसरी प्रशिक्षण देते हैं, हथियार चलाने का हथियार दे रहे हैं। तो जो नेटो देश हैं वो मदद भी करते हैं और नहीं भी करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गया नेटो और रशिया में तो रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स बहुत है, न्यूक्लियर वेपन यूज कर लिया तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, ये एक किसी भी देश ने कर लिया तो नेटो अवॉइड भी करना चाहता है। और इसलिए यूक्रेन भी परेशान है कि नेटो वाले मुझे पूरी मदद नहीं कर रहे हैं, जितनी मैं चाहता हूं उतनी मदद नहीं कर रहे हैं। तो उनकी अपनी सीमाएं हैं लेकिन वो अपना हित पूरा करना चाहते हैं। अब आपने पूछा कि इसका क्या हो सकता है इलाज। देखिए टर्की ने शुरू से मध्यस्थता करने की कोशिश की, बहुत से प्रिजनर्स एक्सचेंज करवाए, लगभग 1700 के करीब प्रिजनर एक्सचेंज हुए हैं दोनों साइड से, बार बार करवाए टर्की ने। लेकिन टर्की भी अब इस पोजिशन में नहीं है कि दोनों पार्टियों को साथ बैठा के बातचीत करे, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ इस पोजिशन में है। और अभी आपने बताया कि पुतिन ने 3 देशों के नाम लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि तीनों ही देश इस पोजीशन में होंगे, क्योंकि सबसे पहला स्टेज है वो तो सीज फायर तो है, जब तक सीज फायर नहीं होगा एक तरफ तो युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ आप पीस पीस चिल्ला रहे हैं तो उस पीस का कोई मतलब नहीं है। अगर सीज फायर हो जाता है तो पीस के लिए, नेगोशिएशन के लिए ग्राउंड बनता है, कंडीशन बनती है, लेकिन फिर भी पीस प्रोसेस आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रशिया ने जो एरिया अपने कब्जे में ले लिया है वो छोड़ेगा नहीं, और रशिया के पास आज यूक्रेन का लगभग 18% एरिया है, और जो कर्स्क में यूक्रेन के पास है वो 0.007% है, रशिया बहुत बड़ा देश है और यूक्रेन के पास बहुत छोटा है, तो बार्गेनिंग चिप है वो बहुत छोटी है यूक्रेन के पास। तो मुझे नहीं लगता कि पीस प्रोसेस आज की स्थिति में चलेगी, सबसे पहला एफर्ट ये की होना चाहिए सीज फायर,
वो चाहे अमेरिका करवाए चाहे ये देश करवाए, लेकिन न अमेरिका अकेला कर सकता, न चीन अकेला कर सकता, न भारत अकेला कर सकता। तो जो कलेक्टिवली कुछ किया जा सकता है उसके लिए अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक ऐसा माध्यम है जो सीज फायर कर दे और दोनों कंट्री जहाँ पोजीशन है अपनी उस पोजीशन पे रुक जाएं और फिर दोनों को बुला के पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है योगेंद्र जी, नहीं तो ऐसे ही मार काट चलता रहेगा। इसमें यूक्रेन का जो डैमेज हुआ है उस रिकंस्ट्रक्शन में योगेंद्र जी लगभग 50 साल लगेंगे जितना डैमेज। मैंने वही कहा सर, मैंने वही कहा कि दशकों लग जाएंगे अभी इन सब चीजों को वापस से पटरी पे लाने के लिए। युद्ध की विभीषिका को हर कोई जानता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध ऐसे मोड पे आ गया है कि अगर यूएस की भी हम बात करें तो वहां पे भी इलेक्शन के मोड पे पूरा अमेरिका है, उनकी प्रायोरिटी अभी नई सरकार है। हाँ ये है, यूक्रेन को सपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन वो पोजिशन नहीं रहेगी। अब नई सरकार का क्या रुख रहेगा ये ज़ेलेंस्की भी जानते हैं। और एक मध्यस्थता के लिए एक फार्मूला ये भी हो सकता है कि आप अपनी बर्बादी को रोकने के लिए वाया यूएनओ इस मामले का सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं कहीं पे एक विशेषज्ञ का आर्टिकल पढ़ रहा था और आपने भी बताया था पिछली बार कि यूएस तो खुद ही इलेक्शन मोड पे है, तो वो स्थिति नहीं है कि साल भर पहले अमेरिका जिस पोजिशन में था और यूक्रेन की मदद कर रहा था, अब वो स्थिति नहीं है। क्योंकि जब कंट्री में इलेक्शन होते हैं तो सारी व्यवस्था उसी तरह से होती है। चले मैं एक बार महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। सर फार्मूला क्या लगता है आपको कि उसका ब्लूप्रिंट जनता के सामने आना, दुनिया के सामने आना जरूरी है, या ये ब्लूप्रिंट जो भी जिस कंट्री के पास में है उसे यूएनओ को अवगत करा करके और दोनों मुल्कों के पास में अपना मैसेज कन्वे करके इसे पहले सीज फायर यथास्थिति बनी रहे कि एकदम से आप लोग रुके जहां पे हो उसी पोजिशन में और उसके बाद में कुछ फार्मूला आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सीज फायर हो, लेकिन दिक्कत है कि हमारे कुछ विश्व शक्ति वाले जो देश हैं उन्होंने चुनाव में ही ये मुद्दा बना रखा है। बिल्कुल, तो आप क्या करोगे? अमेरिका डेमोक्रेट तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन मोड पे भी है, उनके मांग भी कि अगर वो करेंगे तो फिर वो जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी की मतलब कहते हैं बाइडेन का जो डिसीजन है वो किल होता है, क्योंकि उनकी प्रोसेस यही था कि यूक्रेन को मतलब नाटो को अपनी सदस्यता बढ़ानी, तो वो तो आगे अपनी पॉलिसी रखेंगे। और ट्रंप अगर आते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तो युद्ध समाप्त करवाऊंगा जी। तो ये वहां की अलग से राजनीति है। जब तक ये सेटल नवंबर के और अगर मान लीजिए अगर ये युद्ध विराम की पोजीशन आ जाए तो इस चीज के लिए भी मतलब क्या कहते हैं मान के चलेगा कि नवंबर से पहले संभव ही नहीं होगा। चाइना भी ये चाहेगा ना कि मतलब अब चाइना की स्थिति अब वो इस समय बड़ा भाई की रोल में आ गया है, जो चाइना जो कभी छोटे भाई के रोल में था वो आज मतलब क्या कहते हैं बड़े रोल में आ गया। क्योंकि जहां तक रूस जितना दबेगा या जितना टाइम लंबा चलेगा और जितनी उसकी अर्थव्यवस्था मतलब प्रभावित होगी उतना ही मतलब क्या कहते हैं चीन का भार बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही तरफ से बात यही है। और जब तक इसका सॉल्यूशन की अगर बात करें तो एजेंडा तैयार नहीं होगा और दोनों तरफ से ही निजी अपने यानी कि पर्सनली उन कंट्रीज को डिसीजन नहीं करने के लिए खुद को बाध्य होना होगा, तभी मुझे लग सकता है यूएनओ की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो सकती है बजाय दूसरे राष्ट्रों के। क्योंकि ये एक छोटी सी बात होती है कि मूंछ की लड़ाई या ईगो की बात आती है, आप उस फार्मूले में फिट करके देख सकते हैं इसको। उसी तरह से स्थिति यहाँ है कि ना पुतिन पीछे हटना चाहते हैं, ना जो नाटो के मुल्क हैं जो इसे यूक्रेन को अपना सदस्य बनाना चाहते हैं वो उसको पीछे से अपना मंत्र दे रहे हैं कि आप पीछे मत हटिए, हम लोग साथ हैं। वेपन्स वगैरह के लिए रसद और भी दूसरी चीजें हैं उनके लिए मदद भी कर रहे हैं, लेकिन मदद के साथ साथ आपकी बर्बादी भी देखी जा रही है। लेकिन अब ये बात सही है कि दुनिया के सामने के बड़ा सवाल है कि आखिर युद्ध रुकेगा कैसे। फिलहाल तो कोई फॉर्मूला ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है और पुतिन का भी कह देने पर से काम चलने वाला भी नहीं, और मुल्क कौन है जो इतनी मध्यस्थता के साथ में से रुकवा सकता है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि भारत के एक नोबल इमेज जरूर बनती दिखाई दे रही है इसमें कि एक पहल की जा रही है, लेकिन पहल कितनी असरदार होगी ये भी एक देखने वाली बात है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में नहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।